ओ भाई पत्थर गिर गया, अच्छा पता चल चुका है, और ये घबरा गया थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है डर गया है इससे। और यहाँ पे अब देखना होगा खतरनाक सा कि क्या होने वाला है, इसकी मदद करने कोई आएगा या हमें इससे लड़ना होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो यार आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं अपना खतरनाक सा डेविल मे क्राई 5। और आज की वीडियो में पिछली वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर नहीं देखी पिछली वीडियो, मैं रोज यही बोलता हूँ, लेकिन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो ये वाली वीडियो समझ में नहीं आने वाली। तो आई बटन में लिंक है पिछली वीडियो को, जाकर जरूर से देख लेना अगर नहीं देखी तो। और हम पिछली वीडियो से अपना गेम कंटिन्यू कर रहे हैं, और पिछली वीडियो में क्या हुआ था मैं छोटा सा आपको इंट्रो देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। पिछली वीडियो में क्या हुआ था, पिछली वीडियो में हम यूराइजन का पीछा कर रहे थे, मतलब यूराइजन को हमने आधा मार दिया था, और आधा मारने के बाद अब यूराइजन का पीछा कर रहे थे, और वहाँ से अपना गेम कंटिन्यू हो रहा है। तो देखते हैं अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम तीनों एक साथ मिल गए थे, मतलब तीनों प्रोटैगनिस्ट एक साथ मिल गए थे। तो भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वी हैवी हो गया क्या, क्योंकि इसके बर्ड से इसके पक्षी से अब वी संभाला नहीं आ रहा शायद से। ओके ओके, तो ये बोल रहा है थोड़ा सा और रास्ता बचा है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि हम प्रोसीड हो रहा है, हमारा जो कैरेक्टर है वी, वो मतलब एक तरीके से चटकता सा जा रहा है, मतलब इसका जो चेहरा है, चेहरा देखोगे अगर पास से तो थोड़ा चटक रहा है, मतलब जैसे दरारें पड़ गई हूँ चेहरे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद से ये वक्त के साथ साथ गायब हो जाएगा। तो अभी देखते हैं ये कहाँ पहुँचे सारे के सारे प्रोटैगनिस्ट मिलके, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होता लड़ाई वड़ाई होगी पक्का। तो ये अपना मिशन 14 होने वाला है, और ये हमारा स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल से अभी मैं एज अ वी बन के खेलने वाला हूँ। वैसे तो अभी मतलब पिछली दो तीन वीडियो में मैंने डोंटे बन के खेला था, लेकिन अब की वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली अपना वी बन के खेलेंगे, क्योंकि वी आ रहा है लोडिंग स्क्रीन पे। तो देखते हैं अभी कहाँ से गेम कंटिन्यू होने वाला है हमारा। ओके, तो हमारा गेम यहाँ से कंटिन्यू हो चुका है, और भाई इससे तो चला भी नहीं जा रहा, इससे तो चला भी नहीं जा रहा यहाँ पे। ओके, अभी ये एकदम लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, फिर एकदम से खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा इसे चला भी नहीं जाएगा, तो मैंने यार इसे चला नहीं जाएगा तो हम गेम कैसे खेलेंगे। तो फाइनली भी चलने लग गया है, और अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली यूराइजन के पास ही पहुँचेंगे जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि यूराइजन भाग गया था, मतलब यूराइजन जो मेन विलन है हम का, उसे हम मारने वाले थे, आधा तो मार दिया था हमने उसको डोंटे बनकर, लेकिन जब पूरा मारने वाले थे वो एक पोर्टल खोल के भाग गया था। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो थी। ओके, ये आराम आराम से चल रहा है, यहाँ पे कुछ खतरनाक सा हो सकता है, मतलब लाइट वाइट सी बन रखी है यहाँ, मतलब एकदम रोशनी आ रही है जामनी कलर की। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ खतरनाक तो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आराम आराम से चलना शुरू कर दिया, और यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ पानी है क्या? ओके भाई, ये पत्थर जलने लगे हैं। अबे भाई ये क्या हुआ, उल्टी पुल्टी हो गई क्या इसको? ओके, ओ भाई ये तो गायब होने लग गया। ओ भाई सब, ये क्या हो रहा है, वाइट हो गया इसके बाल। ओके, वाइट तो तब होते हैं इसके बाल जब ये अपना खतरनाक वाला रूप लेता है। मुझे लग रहा है इसके साथ कुछ तो खतरनाक होने वाला। ओ भाई ये कौन है, ये चुड़ैल थी तीन मुंह वाली, ये तीन मुंह वाली चुड़ैल थी ना, मुझे ऐसा लगा इसके तीन मुंह है। ओके, अभी देखते हैं, मुझे लग रहा है किसी चुड़ैल बुड़ैल ने इसको किडनैप कर लिया भाई। ओके, अभी देखते हैं ये है कहाँ पर। ओके ओके, तो अभी वी बोल रहा है मैं हूँ कहाँ पर। ओके, तो अभी ओके, तो वी बोल रहा है कि मैं अपनी पावर को खो रहा हूँ, तो मुझे किसी भी तरीके से अपनी पावर को रिकवर करना होगा। तो पता नहीं क्या ही करना है हमें। तो यहाँ पे हम किसी डायमेंशन में आ गए शायद से, मतलब एक मिरर टाइप है, उसके अंदर हम जैसे ही गए हम यहाँ पर आ गए। तो मेरे ख्याल से अभी हम कहीं और ही निकलेंगे इसके अंदर जाके, तो देखते हैं कहाँ निकलने वाले हैं अभी हम। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तीन मिरर थे, और हमें तीनों मिरर को एक्सप्लोर करना होगा, मेरे ख्याल से तो एक्सप्लोर ही करना होगा। यहाँ पे इसका क्या करना है? ओके, शायद से ये पावर वगैरह लेनी होंगी हमें, पता नहीं क्या ही करना है यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से वो गुंडे हैं जिन्हें हमने मारा था, क्योंकि यहाँ पे गुंडा दिख रहा है मेरे को ऊपर, यहाँ पे इसे हम मार चुके हैं पहले, हमने नीरो बन के इस गुंडे को मारा था। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ओ भाई इससे लड़ना तो नहीं है, अबे यार इससे तो लड़ना होगा हमें, पर इससे मैं मारूंगा तो मारूंगा कैसे, मेरे तो यहाँ पे पक्षी वक्षी भी नहीं आ रखे, मतलब इसे कैसे मारना होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसे हारना तो नहीं है मेरे ख्याल से, मैं सोच रहा हूँ इससे पता नहीं क्या ही करना होगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसकी पावर कम हुई थी, पता नहीं कैसे कम हुई थी, मेरे समझ में नहीं आया। ओके भाई पता नहीं क्या ही करना है इस टाइम, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा। हो सकता है मैं मतलब गेम की स्टोरी के अकॉर्डिंग हारना भी पड़ जाए, तो मैं यही सोच रहा हूँ। ओके, नहीं नहीं पावर तो कम हो रही है, पावर तो कम हो रही है, मुझे उछल के ऐसे ऐसे मारना है इसके, ठीक है ले भाई ले। ओके, मैं समझ गया कैसे मारना है इसे,
मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। ओके मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। आ जा भाई आ जा। ओ भाई ये तो डांस कर रही है बड़े खतरनाक तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है ये। अबे भाई कुछ ज़्यादा ही फास्ट है भाई, कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, एकदम रांटे सी काट रही है भाई। ओके आ जा भाई आ जा। ले भाई ले, वैसे भी बड़े एकदम टच सा कर रहा है लेकिन पावर उसकी काफ़ी घट रही है। कर तो हम टच सा ही रहे से, मतलब एक तरीके टच करके भाग रहे हैं अपनी छड़ी से, लेकिन इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा घट रही है टच करने से भी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधी घटा दी हमने पावर, लेकिन अभी देखना होगा कि यहाँ पे होने क्या वाला है। ओ भाई ओके घट गई भाई, आधी पावर घट गई इसकी, आधी एक तरीके से घटी गई है। ओके आ जा भाई आ जा। ओके 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 आधी से ज़्यादा घट गई फाइनली, और मुझे मैं सोच रहा हूँ ये मेरी पावर ना घटा दे कहीं इस तरीके से। आ जा भाई आ जा आ जा भाई आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और। ओके आधी से ज़्यादा फाइनली घटा दी है। ले भाई ले, अबे यार इससे लड़ना थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है यहाँ पे। ओके इनने मेरी पावर भी काफ़ी तक घटा दी है। ओके आ जा भाई आ जा। हमारे अगर अब तक पक्षी वक्षी होते ना तो इसकी तो कब की बैंड बच चुकी होती सही में। ओके ओके अबे भाई कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है। बस ये 3 से 4 हिट की है मेरे ख्याल से, उसके बाद इसकी बैंड बजनी बजनी है। और मेरे ख्याल से ये वही गुंडा है जिसको हमने पहले गुंडा बोले या गुंडे बोले समझ में नहीं आ रहा, जिसको पहले भी हमने हरा चुके हैं, जिस नीरो बन के हराया था हमने इसको पहले, और ये पता नहीं किस शक्ल में वापस आई है अब। अबे भाई ये इससे लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन 2-3 हिट और पड़ेंगी इसके, इसका काम हो जाएगा। एक जगह टिक भी तो नहीं रही, ये भाग ही इतनी तेज़ दिए कि बस पूछो ही मत। ओके अबे यार ये क्या चक्कर है इसके साथ। रुक जा भाई रुक जा रुक जा। गई 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 फाइनली गई फाइनली गई, ये तो गई। अब करेगी क्या ये, अब इसका चिल्लाने का क्या फ़ायदा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओके अब क्या करना है इसको, अब करना क्या है इसको। इसको मैंने पूरा तो हरा दिया, अभी इसकी पावर भी घट चुकी है, तो यहाँ पे करना क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओके मैं काम करता हूँ, उसके दोबारा से मार के देखता हूँ, हो सकता है इसके। ओके घट गई भाई पूरी घट गई। ओके इसके एक हिट और मारनी थी मुझे, मैंने सोचा पता नहीं शायद से कोई गेम में ग्लिच वगैरह हो गया है जिसकी वजह से मरने के बाद भी मर ही नहीं रही है, तो फाइनली यहाँ पे मर चुकी है। और मेरे ख्याल से अब मैं ओके तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ फाइनली कितने हैं। ओके यहाँ पे भाई 3 मिरर बन रखे हैं, तो मेरे ख्याल से हम 3 मिररों में जाके, मतलब एक मिरर में तो हम होकर आ गए, तो एक मिरर में शायद से गुंडे को मारना था, गुंडे को मार दिया, तो 2 मिरर जो बचे हैं दोनों मिरर में गुंडों को जाके हमें मारना होगा। तो 2 मिरर बचे हैं तो दोनों में खतरनाक से गुंडे आने वाले मोस्ट प्रोबेबली, तो ये दूसरा मिरर हमारा होने वाला है। और हम यहाँ पे अब देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है, तो मैं एक्साइटेड हूँ थोड़ा सा क्या मिलेगा यहाँ पे। ओके 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 इससे हम लड़ चुके हैं क्या पहले? ओके इससे भी शायद से लड़ चुके हैं प्रोबेबली। ओके शायद से ये उठाते ही अपना गुंडा चालू हो जाएगा। ओके पता नहीं शायद से ये अपने, मेरे ख्याल से कुछ मिस्टीरियस टाइप की भी चीज़ हमारे साथ हो रही है, क्योंकि एक्चुअली मैं वी अपने शायद से मेरे ख्याल से मतलब भूतकाल में जा चुका है, मतलब अपने पास्ट में चला गया शायद से भी, ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा उसे समझने के लिए हमें गुंडों से लड़ना होगा। अबे भाई ओके मेरी पावर पूरी की पूरी घट चुकी है, मुझे ORB लेनी पड़ेगी। ये ले ली भाई मैंने ORB अपनी। ओके चल आ जा भाई आ जा। ओके इससे लड़ना भाई थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, वैसे आई होप कि इससे लड़ना इतना मुश्किल ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इससे जल्दी से जीतने की। ओके आ जा भाई आ जा आ जा आ जा आ जा। ओके भाई मजाक मजाक में इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर घटा दी है मैंने। ओके आधी से ज़्यादा पावर तो मैंने इसकी मजाक मजाक में घटा दी है, तो अब देखते हैं अब कितना टाइम और लगने वाला है इसकी बैंड बजने में। ओके आ जा भाई आ जा। आई होप ज़्यादा टाइम ना लगे, वैसे तो मेरी पावर काफ़ी तेज़ी से घटा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं अभी और थोड़ा सा। ओ भाई 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 आराम से। ओके मुझे लग रहा है मेरी पूरी पावर घटा दी, नहीं पूरी नहीं घटाई अभी। ओके आप घटा दी पूरी पावर, मुझे फिर से ORB यूज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ ये कोई हैक नहीं है, अभी आप सोचो कि हैक नहीं है, कमेंट में हैक मत लिखना, क्योंकि भाई ये गेम का हिस्सा है। हमारे पास ORB है जो हम गेम में इकट्ठी करते हैं, एक तरीके से पावर होती है जो एक बैकअप का काम करती है, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारी पावर दोबारा से आ जाती है। ओके भाई इससे लड़ना मुश्किल है यार, इससे लड़ना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और मैंने अपनी यहाँ पे गुंड अपनी मदद बुलाई है थोड़ी सी इसकी बैंड बजाने के लिए। ओके अबे यार इससे लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। ओके भाई इसने तो बैंड ही बजा दी मेरी, ये गया कहाँ है।
ओके ओके ओके, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ओके आजा भाई आजा, तेरी बैंड बजाता हूँ खींचेंगे, तू रुक। ओके भाई इससे लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, इससे लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ये गया। अभी तीन चार हिट और लगेंगे इसके, ये गया, तीन चार हिट में गया ये। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मुझे ORB यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो मुझे शायद से दूसरे गुंडे के लिए पड़ सकती थी, लेकिन अब तो भाई ORB यूज़ करनी पड़ेगी। और ORB यूज़ करने के बाद भाई काफ़ी महंगी होती जा रही है ORB, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मिशन ही फेल हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके 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 ओके, ठीक है भाई आ जा भाई आ जा। अब इसकी बैंड बजी, सच में इसकी बैंड बजी, ये गया, अब गया ये। मारो भाई, क्या कर रहे हो यार, थोड़ी मदद तो करो, कुछ भी नहीं कर रहे यार ये। ओके आ जा भाई आ जा आ जा, गया 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 गया, फाइनली एक तो हिट और मारनी है, और अब गया ये। ये क्या करा है इनने? ओके ओके ओके, ये हमारे इसने एक्चुअली में तलवार घुसाई थी सीने में, लेकिन जैसे इन्हें तलवार घुसाई हम गायब हो गए ऑटोमेटिकली, इसके पीछे आगे इसकी मुंडी तोड़ दी, और हमने तीन में से दो मिरर बंद कर दिए, और अब यहाँ पे लास्ट फाइनल मिरर बचा है। तो ये मिरर बंद करने के बाद देखेंगे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कुछ तो बड़ा होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ तो बड़ा हो जाए। ORB इकट्ठा कर लेते हैं भाई, क्योंकि ORB की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। तो तीसरे मिरर में एंटर हो चुके हैं हम फाइनली, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि इस मिरर में कौन सा गुंडा मिलने वाला है। तो वैसे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मतलब पहले मुझसे लड़ चुके होंगे, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मिलेगा कौन। ओके ओके ओके, ये वो गुंडा है जिससे हम सबसे पहले लड़े थे, मतलब ये इस गेम का पहला बोस था, और नीरो इससे लड़ा था, लेकिन इस बार वी इससे लड़ने वाला है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसे हराने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसको मुझे पता है प्रॉपरली कि मारना तो मारना कैसे है। तो भाई यहाँ पे एक्टिवेट होने लग गया है, और इसके पेट के बीच में, मतलब इसके पेट में एक मुँह है जिससे ये चिल्लाता है, और भाई इसकी बैंड बजाने के लिए हमने अपना स्टार्ट कर दिया मारना वारना। ओके घट रही है भाई, घट रही है, घट रही है पावर तो घट रही है इसकी। ओके मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे मैं इसको मारने के लिए मुझे अपनी ORB यूज़ ना करनी पड़े, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है ये ORB यूज़ मतलब करनी पड़ेगी, करवा के रहेगा मेरे से, कोई बात नहीं। बैंड तो बज रही है भाई, बैंड तो बज रही है, मैं काम करता हूँ इसके पीछे से बैक साइड पर रहकर इसकी बैंड बजाने की कोशिश करता हूँ शायद से, ये अच्छा आइडिया है। ओके भाई ओके, ये अच्छा आइडिया, ये अच्छा आइडिया। ओके गया 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 गया, और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और भाई, थोड़ा सा और, गया भाई गया 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 गया। फाइनली भाई यहाँ पे तीनों मिरर हमने ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं, जब ये गया तो ओके अब एक्शन से मारना होगा इसे। आ जा भाई आ जा। ओके हमारा हमारा दोस्त मारेगा इसे भाई, खतरनाक तरीके से मार रहा है, पूरा फुल टक्कर ले रहा है। खैर हम इसे कंट्रोल करते हैं, और अभी इसकी बैंड हो जाएगा, मुक्का चढ़ेगा शायद से, चढ़ दिया भाई मुक्का, ये गया। ओके हमने शायद से छड़ी इसके हाथ में घुसा दी, और वो भाप बन जाएगा मेरे ख्याल से। और यहाँ से ये तीसरा मिरर हमारा बंद हो चुका है, और अब देखते हैं, आई होप कि यहाँ से मैं कुछ खतरनाक सा तो देख ही लूँ, क्योंकि इतनी भाई मेहनत करी है तो कुछ खतरनाक सा देखना तो बनता है। मेरे ख्याल से हो सकता है वो चुड़ैल वापस आ जाए, जिसका मैंने शायद से तीन मुंह देखे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई रास्ता खुल रहा है, कोई डोर कोई गेट खुल रहा है खतरनाक सा, तो हो सकता है मुझे इसके अंदर जाना पड़े, तो ये फाइनल डोर भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है। ओके तो यहाँ पे हमारा पंछी ये बोल रहा है कि यहाँ से चलो बाहर निकलते हैं, और देखते हैं यहाँ से हम कहाँ पहुँचने वाले। तो शायद से हम वापस आ चुके हैं इसी जगह पे जहाँ पे हमने वो तीन मुँह की औरत देखी थी, तो पता नहीं यहाँ से कहाँ ही जाना है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओके मैं सही जा रहा हूँ या उल्टा जा रहा हूँ? ओके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं सीधा ही जा रहा हूँ, लेकिन ये तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं सीधा भी जा रहा हूँ या उल्टा जा रहा हूँ। ओके मेरे ख्याल से मैं उल्टा जा रहा हूँ। ओके मेरे ख्याल से मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो ओके 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 ओके, मुझे प्रॉपर आके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, मैं तो रास्ता खुला हुआ ही अब तक। ओके शायद से मैं उल्टा नहीं जा रहा, मैं सीधा ही जा रहा था, क्योंकि इस जगह पे मैं पहले कभी भी नहीं आया। ओके मैं सही जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कट सीन सा आया थोड़ा सा, और ये भाई पता नहीं क्या ब्लड का फ्लो इतना खतरनाक सा जा रहा है यहाँ पे, ऐसा ना हो कि मुझे इसके अंदर से होकर जाना पड़े ऊपर या नीचे। तो अभी देखते हैं यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, शायद से मुझे नीचे जाना है उन रूट्स को तोड़ने के लिए। तो मैं काम करता हूँ आगे जाके देखता हूँ, फिर देखता हूँ वहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से कहाँ जाना है? ओके तो अभी जी ने बोला कि वो सेफ है, पता नहीं किसकी बात कर रहा है ये, मेरे तो समझ में आया नहीं। तो यहाँ से मैं नीचे तो नहीं जाना है? नहीं नीचे तो नहीं जाना है। ओके नीचे तो नहीं जाना, लेकिन जाना कहाँ है? ओके 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 ओके, यहाँ से ओके कहाँ जाना होगा मुझे?
ओके यहाँ से कहाँ जाना है? ओके ओके ये रही भाई टमाटर वाली जगह, इसे तोड़ना होगा मुझे ओवरऑल। और यहाँ से तोड़ने के बाद इसे अपना रास्ता बन जाना चाहिए। ओके रास्ता बनने वाला है हमारा और नया रास्ता खुल जाएगा मेरे ख्याल से, और वहाँ से हम कहीं और जा सकते हैं अपना एक्सप्लोर करने के लिए। ओके भाई रास्ता बनना है अपना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फाइनली हमारा रास्ता, ओके रास्ता हमारा यहाँ से बना है, पर हमें जाना कहाँ से? ओके मुझे आवाज़ ऐसी आ रही है कुछ खतरनाक सी, जैसे किसी की लड़ाई हो रही है। ओके 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 भाई आवाज़ तो मुझे आ रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़ रहा है किसी से। ओके आवाज़ें आ रही है मेरे को, पता नहीं कौन ही लड़ रहा है यहाँ पे। 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ऐसे चिल्लाने विल्लाने की तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो यहाँ पे अब देखते हैं, शायद जो अब रास्ता खुलेगा उस रास्ता खुलने के बाद हमें शायद से कुछ दिख सकता है जिसकी आवाज़ें वगैरह आ रही हैं। ओके आवाज़ें तो आ रही हैं 100%। ये कोई वो वाली गुंडा भी हो सकता है जो 3 मुंह वाला था। ओके यहाँ से ओके तो अभी वी बोल रहा है कि मेरी जो जर्नी है उसका एंड होने वाला, तो शायद से हो सकता है हमारा जो गेम का मतलब जो स्टोरी है वो एंड हो जाए जल्दी से। मेरे ख्याल से तो वैसे काफ़ी हम गेम कवर कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा तो कवर कर ही चुके होंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ओ भाई ये कौन है यहाँ पे, इतना बड़ा ड्रैगन? ओ भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके ओके ये वही है, मेरे ख्याल से ये वही है। ओके ये 3 मुंह वाली हो रहा था भाई, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये मिल सकती है और शायद से यही थी। ओ भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखो इसकी मैं बात कर रहा था, इसके हाथ पैर चटकने से लग गए, इसका मुंह भी चटक रहा है, इसके हाथ वगैरह भी ऐसे होने लग गए, थोड़ा जीत से दरार पड़ गई हो। ओ भाई पत्थर गिर गए, अच्छा पता चल चुका है, और ये घबरा गया थोड़ा सा और मुझे लग रहा है डर गया है इससे। और यहाँ पर अब देखना होगा खतरनाक सा कि क्या होने वाला है, इसकी मदद करने कोई आएगा या हमें इससे लड़ना होगा। ओके तो ये लड़की बोल रही है, लड़की नहीं है जो विलेन है, ये बोल रही है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया घुसाया है, तो ये बोल रही है मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पे देखना होगा क्या होने वाला है। ओ भाई ये कौन आया पीछे से? डोंटे ओ नीरो है अपना। ओके तो अब हम इसकी बैंड बजाने वाले हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे ये वाला मिशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगली वीडियो में इससे लड़ने वाले हैं प्रोबेबली। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर जरूर से लाइक कर देने का, चैनल पहली बार अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मेरे चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी गेम प्ले वीडियो सीरीज मिस ना हो। मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि आज की खतरनाक सी वीडियो में मजा आया नहीं आया, मतलब आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जो कि अगली जो वीडियो होगी वो इससे भी ज़्यादा एक्शन वाली होगी, क्योंकि वो जो 3 मुंह वाली गुंडा या विलन जो भी थी वो उससे हम लड़ने वाले। तो मैं मिलता हूँ उस वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।